Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is diversity of plant. इससे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में वायरसेस के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में और एलजी के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई को. आज तो किंगडम फंजाई को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए. तो हम इस लेक्चर में देखेंगे किंगडम फंजाई की डेफिनेशन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इसकी अक्रेंस को देखेंगे, फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती है और किन किन कंडीशंस में हमें नज़र आती है. इसके अलावा हम इसकी सेल टाइप देखेंगे, फिर हम माइसीलियम की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे और फिर उसके अलावा लास्ट में हम लोग इसकी सेल स्ट्रक्चर और फिर सेल टाइप के बारे में स्टडी करेंगे. 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज किया. तो उस किंगडम सिस्टम के अंदर एक किंगडम जो है वो फंजाई का भी था. फंजाई को किस तरह से किंगडम का रैंक मिला, इसकी कुछ रिजम्बलेंस जो थी वो पहले प्लांट्स के साथ थी, कुछ रिजम्बलेंस इसकी एनिमल्स के साथ थी. तो उन दोनों के बेसिस पे जब देखा गया कि ये एनिमल से भी डिफरेंट है, ये प्लांट से भी डिफरेंट है, तो इस तरह इन डिफरेंसेस की बेसिस पे इसको अलग करके एक अलग से किंगडम का नाम दे दिया. क्योंकि तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है बाकी तमाम किंगडम्स के लिए वो इसको यूनिक बना देती है. जैसा कि इसकी यूनिकनेस में हम अगर बात करें तो फंजाई की जो यूनिकनेस है उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि इसके पास सेल वॉल होती है जो कि कार्टन की बनी होती है. दूसरी ये कि ये डिकम्पोजर है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता. हीटरोट्रॉफ तो ये है लेकिन ये डिकम्पोजर है, ये अपनी खुराक तोड़ फोड़ के जरिए हासिल करता है. और जो दुनिया में जितनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन होती है वर्ल्ड लार्जेस्ट डिकम्पोजर में आते हैं हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया. इसकी हिस्ट्री जानने के साथ साथ हम इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं. पहले इसकी फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर टू हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडीज विच इज मेड अप ऑफ हाइफी एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन. देखा जैसा कि डेफिनेशन में भी बयान किया गया है कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है, ये पहले चीज़ों को डिकम्पोज करती है, जिसके ऊपर भी ये ग्रो करती है उसको डिकम्पोज करती है, फिर वहां से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करती है. इसका सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, जो इसका साइज है वो यूनिसेलुलर टू हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, यानी कि ये इतनी छोटी भी हो सकती है कि एक सेल पर मुश्तमिल हो और इतनी लार्ज भी हो सकती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रिलियन सेल्स हों. फिर इसकी जो मेन बॉडी है वो हाइफी से मिलकर बनी हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, उससे मिलकर बनी हुई है और इसकी सेल वॉल जो है वो काइटन पे मुश्तमिल है. अब हम वन बाय वन इसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो हमने डेफिनेशन में देखी हैं. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन में बात की कि फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड. ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते उनको हम नाम देते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का. तो फंजाई जो है ये भी एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकती. फिर हमने बात की कि फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है. तो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद हो और प्रॉपर जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हो, उन सेल्स को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का. फिर हमने बात की इसके सेल के सेल साइज के बारे में कि फंजाई जो है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर ये मल्टीसेलुलर हो सकती है. तो जैसा कि आपको सामने डायग्राम इस टाइम नजर आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडिंग स्टेज पे ली गई डायग्राम है यीस्ट की. इसमें हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सेल है जो कि बड़ा सेल है एक और एक छोटा सेल है. बड़े सेल की डिवीजन के बाद हमें छोटा सेल नजर आ रहा है. तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है फंजाई का. तो इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ये यीस्ट की डायग्राम है. इसके बाद हम बात कर रहे थे कि फंजाई जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है. तो मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल हो, जैसा कि सामने एक डायग्राम आपको इस टाइम नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे. इसमें आप देख सकते हैं कि ये छतरी नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. ये देखिए इसके अंदर एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर,
नीचे इसकी हमें स्टॉक नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे सेल्स मिलके बना हुआ है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, जो कि इस बात की अकासी करते हैं कि ये एक सेल नहीं है, ये मुख्तलिफ सेल से मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो फंजाई के बारे में हमने बात की कि दे मे बी यूनिसेलुलर और हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडीज। उसके बाद हमने डेफिनेशन में बात की थी कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है हाइफी का, यानी कि प्लांट बॉडी जो है इसकी हाइफी से बनी होती है। तो हाइफी क्या चीज है, सबसे पहले हमें हाइफी का पता होना चाहिए। हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जी हमें धागे की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे धागे हमने इकट्ठे करके रखे हुए एक जगह पे। तो इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइफी का। पूरी प्लांट बॉडी इसकी इन स्ट्रक्चर में मुश्तमिल होती है। तो ये है हाइफी, ये जमीन के अंदर जहां पे ऊपर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में नजर आते हैं उसके नीचे हमें ये हाइफी नजर आते हैं। जैसे प्लांट के अंदर रूट्स का काम होता है वही इन हाइफीज का काम होता है, ये अब्सॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिशन को जमीन से। फिर हमने बात की कि जो इसकी सेल वॉल है वो बनी होती है काइटन की। अब काइटन क्या चीज है, एक्चुअली काइटन एक सेल वॉल बिल्डिंग मटीरियल है। जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल बिल्डिंग मटेरियल हमने पढ़ा कि सेलुलोज होते हैं, इसी तरह फंजाई के अंदर सेल वॉल बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काइटन है। काइटन एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट को हम काइटन का नाम देते हैं। जो इसकी सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है, इसलिए इसको हम प्लांट के अंदर मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने इसके अंदर देखे डेफिनेशन के अंदर, दीज आर हीटरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हाइफी और काइटन। फंजाई को जब एक अलग किंगडम का रैंक दिया गया तो उस पर स्टडी की गई, बहुत डिटेल स्टडी की गई, जिससे पता चला कि फंजाई जो है वो प्लांट से भी डिफरेंट है, वो एनिमल से भी डिफरेंट है, वो एलजी से भी डिफरेंट है, वो वायरस बैक्टीरिया से भी डिफरेंट है। तो वो तमाम स्टडी, वो तमाम रिसर्च जो फंजाई के ऊपर हुई और वो तमाम लोग जिन्होंने फंजाई के ऊपर काम किया उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया उस साइंस को, तो उसको हम नाम देते हैं माइकोलॉजी का। माइकोलॉजी एक्चुअली लैटिन वर्ड है, एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसकी मतलब है फंजाई। तो वो तमाम लोग जिन्होंने फंजाई के ऊपर काम किया उनको हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट हैं वो। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हमें इसके अंदर नजर आती है। तो माइकोलॉजी क्या है जी, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो तमाम साइंसदान, वो तमाम रिसर्चर्स जो कि फंजाई के ऊपर काम करते हैं उसको हम माइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, और इसकी पूरी ब्रांच को हम नाम देंगे माइकोलॉजी का। बिल्कुल इसी तरह से जो जैसे कि हम बॉटनी की बात करते हैं कि बॉटनी जो है एक साइंस का नाम है प्लांट्स की स्टडी का, और जो लोग इसको स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनिस्ट का नाम देते हैं। अक्रस ऑफ फंजाई की बात करते हैं, तो अक्रस ऑफ फंजाई की जब हम बात करें तो हमारे जहन में यही जाती है कि फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती होगी। तो फंजाई का अगर हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि फंजाई कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन आल्सो बेयर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। फंजाई जो है वो तकरीबन 5 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है और 2 to 9 एक्सट्रीम लेवल ऑफ पीएच को ये बेयर कर सकती है, यानी कि हाईली एसिडिक कंडीशंस हो या हाईली बेसिक कंडीशंस हो उसके ऊपर ये ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम इसकी अक्रंस के हवाले से बात करें तो फंजाई को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रोफाइटिक फंजाई जो है ऐसी फंजाई होती है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, जो कि मुर्दा चीजों के ऊपर, गली सड़ी चीजों के ऊपर ग्रो करती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग की फंगस की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो हाइफी है वो इस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, और ये सॉइल नहीं है एक्चुअली, ये अगर आप इस पे गौर करें जरा तो आपको नजर आएगा कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर है। ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको इसके अंदर नजर आ रही हैं, लीफ नजर आ रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेप्रोफाइट्स।
सेप्रोफाइट कैन ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जब ये ग्रो करती है तो ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करेगी? तो फूड ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये हीटरोट्रॉफिक है, जब ये फूड ऑब्टेन करेगी तो इसको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसको तोड़ फोड़ सके। तो इंजाइम जो है वो इस नंबर ऑफ इंजाइम, फंजाई के अंदर बहुत सारे इंजाइम ऐसे हैं जो अपने हाइफी के जरिए सॉइल के अंदर, जिस सॉइल के अंदर ये मौजूद है, यहाँ पे इसको सेक्रेट करती है। जब हाइफी नंबर ऑफ इंजाइम सेक्रेट करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसकी डिवीजन हो जाती है, ये छोटे छोटे सेल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हाइफी जो है इसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया सेप्रोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट हमें इसकी अक्रंस कैसे नजर आती है जी, वो है नेक्स्ट अक्रंस हमें इसकी नजर आती है पैरासाइट। पैरासाइट के तौर पर हमें फंगस जो नजर आती है, हमेशा जो इसकी दो कंडीशन होंगी, एक तो ये लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करेगी, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके अंदर डिजीज कॉज करेगी। आप एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लीफ है, ये मोनोकॉट लीफ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर के आपको छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं। तो ये जो दाने आपको इस पे नजर आ रहे हैं इस टाइम, एक्चुअली ये फंगस है, फंगस ने इसके ऊपर ग्रो किया है। अब ये फ्रेश लीफ था, लिविंग है, इसके ऊपर जब इसने ग्रो किया, लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो किया, तो इसके अंदर इसने डिजीज कॉज की। ये जो आपको ब्राउन इसके स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस है और इसके फंक्शनिंग को इसने डिस्टॉर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि प्रॉपर फंक्शन क्या है लीफ का, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट हम इसकी जो अक्रंस देखते हैं ज्यादातर वो हमें सिम्बायोटिक वे में नजर आती है। सिम्बायोटिक वे में अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक्चुअली एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में रहते हैं, यानी कि दोनों को फायदा होता है, दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। तो जब फंजाई जो है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाती है तो ये दो तरह के एसोसिएशन बनाती है, एक को हम नाम देते हैं माइकोराइजा का। माइकोराइजल एसोसिएशन इज अ दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हर प्लांट, यानी कि हर प्लांट्स की रूट्स के अंदर और फंजाई जब आपस में मिलके रहती है तो उसको हम माइकोराइजा का नाम देते हैं। ये हमें एक माइकोराइजा की डायग्राम आप देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे, ये एक्चुअली हमने उसकी जर्नल अपेयरेंस की डायग्राम ली है। जब इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे तो वो इसके रूट्स के अंदर, प्लांट की रूट्स के साइडों पे हाइफी जो है वो टोटली रैप कर लेते हैं। ये डिटेल स्टडी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर की हमने स्टार्ट में बात की, उस तरह की फ्रूटिंग बॉडी हमें नजर आ रही है और ये ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो की हुई है। ये आप देख सकते हैं नीचे ट्री ट्रंक है और उसके ऊपर ये व्हाइट कलर की फंगस की फ्रूटिंग बॉडीज नजर आ रही हैं। नेक्स्ट है माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बाद अगला जो एसोसिएशन बनाती है फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो है लाइकन्स। लाइकन्स एक्चुअली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्जी, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसी जगह पे लाइकन्स ग्रो करती हैं जहां पे पहले से वेजिटेशन नहीं होती, यानी कि बेयर रॉक्स के ऊपर एल्जी और फंजाई जब मिलके ग्रो करते हैं उसको हम लाइकन का नाम देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब किसी भी बेयर रॉक के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर लाइकन्स लगती हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है और सक्सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। जब हम फंगस की जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंगस का जो थैलस या स्ट्रक्चर में नजर आता है उसको माइसीलियम का नाम देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो फंगस की बॉडी है वो बहुत सारी फंगल हाइफी से मिलकर बनी होती है और वो फंगल हाइफी जब कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं या लूजली अरेंज होते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम माइसीलियम का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको एक सामने नजर आ रही है डायग्राम नजर आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हाइफी जो है वो आपस में कनेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे हाइफी आपस में यहाँ पे कनेक्ट है और वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अंडरग्राउंड। ये सॉइल की लाइन है अगर, तो ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको माइसीलियम का नाम दे रहे हैं।
और ये बने किससे हुए हैं, बहुत सारे हाइफी से मिलके बने हुए हैं। अब हाइफी का काम क्या है, हाइफी एक्चुअली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच टेबुलर फिलामेंट्स हैं जो कि इसको एक तो एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, और ये टेबुलर है, लॉन्ग है, ब्रांच्ड है, तो ये सॉइल के अंदर इजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे ये प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट करती हैं, फिर रूट हेयर्स प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह से जो हाइफी है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है और डीप पेनिट्रेट करता है, जहाँ इसको न्यूट्रंट्स में नजर आते हैं उसी तरफ मूव करता है ये, और डीप पेनिट्रेट होने के बाद जो वहाँ से न्यूट्रंट को अब्जॉर्ब करके फंगस को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से यहाँ से अंडर सॉइल जो एरिया है इसका, यहाँ पे आपको हाइफी नजर आ रहे हैं जो कि लूजली अरेंज्ड नजर आ रहे हैं। जब यही हाइफी जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है फंगस की, तो यही हाइफी अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं और इस तरह की स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जब मेच्योर हो जाती है फंगस, तो उसके ऊपर ऐसी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इसके नीचे, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स ग्रो करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर ग्रो करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फंगस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक्चुअली फंगस का जो थैलस है उसको हम नाम देते हैं माइसीलियम का, और जो स्ट्रक्चर हमें ऊपर इसकी नजर आती है ये वाली, इसको हम नाम देते हैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी का या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। और ये दोनों माइसीलियम भी और इसकी फ्रूटिंग बॉडी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी, ये मिलके बने होते हैं बहुत सारे हाइफी से। हाइफी ही इसका जो मेन पार्ट है फंगस का, वो ही इसका डिवाइडिंग सेल है, वो ही इसका फॉर्मिंग सेल है। फंगस ही जब डिवाइड होती है तब भी हाइफी डिवाइड होता है एक्चुअली, तो ये हम कह सकते हैं कि जो मेन इसका सेल है फंगस का वो हाइफी है। और हाइफी के जो सेल है, इसकी अगर हम बात करें, हाइफी जो फिलामेंट है एक्चुअली ये दो टाइप्स के होते हैं, इसकी टाइप हम अगली लेक्चर में देखते हैं। अब है टाइप्स ऑफ हाइफी। तो हाइफी हमें यूजली दो तरह की टाइप्स होती हैं हाइफी की, एक को हम कहते हैं कि सेप्टेट हाइफी है, दूसरी टाइप को हम कहते हैं कि नॉन सेप्टेट हाइफी है या सिनोसिटिक हाइफी है। एक्चुअली सेप्टेट हाइफी जो है वो इस तरह के हाइफी होते हैं जिसके अंदर जो इंडिविजुअल सेल है वो डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ सेल्स के अंदर। किस तरह से डिवाइड होते हैं कि इसके अंदर क्रॉस वॉल्स आ जाते हैं, सेप्टा आ जाते हैं, क्रॉस वॉल्स आ जाती हैं जो कि एक सेल को बहुत सारे सेल्स के अंदर डिवाइड कर देता है, तो ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं सेप्टेट हाइफी का। दूसरे जो हाइफी है नॉन सेप्टेट हाइफी, इसके अंदर उसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्रॉस वॉल्स या सेप्टा नहीं होते, और पूरे का पूरा जो सेल है वो उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको नॉन सेप्टेट हाइफी या सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि पहली डायग्राम जो है वो सेप्टेट हाइफी की है और दूसरी डायग्राम जो है वो सिनोसिटिक हाइफी की है। पहले डायग्राम के अंदर आप देखें अगर, तो जो एक सेल था पूरा उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्रॉस वॉल्स आ गई हैं, और इसने एक पूरे सेल को नंबर ऑफ डिफरेंट स्मॉल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब इस सेल के अंदर, इस वॉल के अंदर एक्चुअली छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से एक सेल के जो कंटेंट हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो मूव करके दूसरे सेल के पास चले जाते हैं। फिर इस तरह से पूरे सेल के अंदर जो फूड है या गैस है या कोई भी जो चीज़ है वो एक सेल से दूसरे सेल तक मूव कर सकती है। तो इस तरह जितनी इसके अंदर खुराक ज़्यादा होगी इतनी ही इसकी हाइफी की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और विग्रस ग्रोथ होगी। जो निचली डायग्राम आपको नजर आ रही है सिनोसिटिक हाइफी की, इसके अंदर उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस वॉल्स और सेप्टा जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए पूरे का पूरा जो सेल है वो एक ही सेल की तरह बिहेव करेगा, और इसके अंदर आपको ब्लू कलर के मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। सारे जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या क्योंकि इसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती इसलिए हम इसको नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से माइसीलियम अपने आप को अरेंज करता है, और हमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो सॉइल के ऊपर जो कॉमनली हमें नजर आते हैं फंगस के, वो किस किस तरह के और कौन कौन से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरोफोर। डायग्राम देखते हैं इसकी, इसके अंदर जो हाइफी है वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि जैसे एक स्टॉक बनाती हैं इसकी, और फिर उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफोर, यानी कि स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक ब्रांच के ऊपर अटैच है। फोर हम कहते हैं ब्रांच को। ये देखिए आप अगली डायग्राम में भी देख सकते हैं,
कि ये हमें सॉइल के ऊपर अक्सर ऐसी खुम्बियाँ नज़र आती हैं, लगी हुई मशरूम्स नज़र आती हैं, तो ये एक्चुअली इसकी स्पोरोफोर है। ये जो आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हमें माइसीलियम कॉम्पैक्टली अरेंज होने के बाद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा के अंदर जो हाइफी है माइसीलियम के, वो अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज कर लेते हैं और इस तरह की अपेयरनेस हमें नज़र आती है। नेक्स्ट जो टाइप हमने पढ़नी है इसके अंदर, वो है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा के अंदर जो हाइफी है वो डिफरेंट टाइप्स के हाइफी होते हैं, यानी कि एक हाइफी नहीं होता, वो डिस्टिंक्ट टाइप के हाइफी होते हैं। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं और हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सूडोपेरेनकाइमा। सूडोपेरेनकाइमा, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर फॉल्स स्ट्रक्चर होंगे। इसके अंदर होता यूँ है कि एयर स्पेसिस होती हैं, लूजली अटैच्ड हाइफी होते हैं, हाइफी प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। कहीं आपको इस डायग्राम भी नज़र आ रहा है कि कहीं बहुत सारे हाइफी हैं, कहीं बहुत बड़ा हाइफी है, कहीं गैप है, कहीं एयर स्पेसिस हैं, तो ये इस तरह की लूजली जो स्ट्रक्चर होती है, लूज सी स्ट्रक्चर में नज़र आती है, जो उसको हम नाम देते हैं सूडोपेरेनकाइमा का। इस तरह जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा एक्चुअली बनता है कि जब फंगस के जो टिश्यू हैं वो अपने आप को बगैर फ्रूटिंग बॉडी बनाए अपने आप को हार्ड कर लेते हैं। अपने आप को जब हार्ड कर लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी बनाए बगैर, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक सख्त सी कवरिंग बन जाती है, फिर फ्रूटिंग बॉडी उन कवरिंग के ऊपर ग्रो करती है। यानी कि पहले अपने आप को ये हार्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए, इसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। इसके अंदर होता यूँ है कि जो आउटर माइसीलियम जो है, उसकी जो आउटर हाइफी है वो अपने आप को हार्ड कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं, और उसके अंदर जो न्यूली ग्रोइंग हाइफी होता है वो उसके अंदर इजीली सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल होता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट गुजर जाता है, वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो इसके जो न्यूली ग्रोइंग हाइफी हैं ये इस हार्ड कवरिंग से बाहर आके जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये एक्चुअली स्क्लेरोटियम क्या चीज़ है, एक इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। ये अपने आप को बचाने के लिए अपने जो बाहर की हाइफी है उसको हार्ड कर लेता है और अपनी न्यूली ग्रोइंग हाइफी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है राइजोमॉर्फ की। ये जो राइजोमॉर्फ है, इसके अंदर जिसके नाम से जाहिर है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि हमें रस्सी का पेरस देते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं अपने सामने, ये दरख्त के ऊपर आपको लग रहा होगा इस टाइम के जैसे कोई ब्लैक कलर की जड़ें निकली हुई हैं। ये एक्चुअली रूट्स नहीं है, ये राइजोमॉर्फ है। ये फंगस का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से नज़र आता है कि बिल्कुल इसने रस्सी की तरह के पेरस ले लिया है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो आपको रूट की तरह नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है हस्टोरिया। हस्टोरिया एक्चुअली जो फंगस है वो अपने आप को नोब लाइक ब्रांचेस में कन्वर्ट कर लेती है। जो मेन माइसीलियम है इसका, वो जब किसी भी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेट करने के बाद उसकी जो पेनिट्रेटिंग साइट होती है वो बहुत सारे नोब लाइक और ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को तब्दील कर लेती है। तो इस नोब लाइक और ब्रांच स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हस्टोरियम का। जितनी ब्रांचेज इसकी ज़्यादा होंगी, उतनी ही ज़्यादा वो सेल के अंदर से न्यूट्रंट को अब्जॉर्ब कर सकेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम एक्चुअली सिंपल और लूप्ड स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम देख सकते हैं इसकी, कि जब माइसीलियम इसका ग्रो करता है तो इसके अंदर कुछ जगह पे हमें लूप्स नजर आते हैं, जर्म ट्यूब के ऊपर ये कहीं भी, और इन्फेक्टेड हाइफी के ऊपर ये कहीं भी अपने ऊपर एक लूप बना के अपने फूड को स्टोर कर लेता है, या फिर उसके अंदर बाद में इसके स्पोर्स बनने लग जाते हैं। तो कोई भी अलग से फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाते, जैसे हमने स्पोरोफोर के अंदर देखा जर्मिनेटिंग हाइफी है, उसी के ऊपर ही अंदर अंदर इसने लूब्स बना लिए हैं और उन लूब्स के अंदर बाद में स्पोर्स बनते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, के माइसीलियम हमारे पास किस किस तरह के शेप्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये अपने 9 टाइप्स इसकी देखी। पहली टाइप थी इसकी स्पोरोफोर, सेकंड टाइप थी इसकी प्लेक्टेनकाइमा, थर्ड थी इसकी प्रोजेनकाइमा, फोर्थ वन इज सूडोपेरेनकाइमा, फिफ्थ नंबर पे थी स्ट्रोमेटा, सिक्स नंबर थी स्क्लेरोटियम, सेवन नंबर पे था राइजोमॉर्फ, एट्थ नंबर पे है हस्टोरिया, एंड लास्ट वन इज एप्रिसोरियम। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फंजाई जो है ये यूकेरोटिक सेल पे मुश्तमिल है,
तो इसका मतलब है कि फंजाई का जो सेल है इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होंगे और इसके पास एक वेल डिफाइंड सेंट्रल न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। इसके अलावा सेल वॉल तो इसके पास है ही जिसके अंदर काइटन होता है। बाकी हम देखते हैं इसके अंदर सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी हुई है। इसके अंदर जब डिवीजन होती है तो माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड होता है और जो सेल जो है ये हाइफी, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो हाइफी है जो कि सेप्टेट या एसेप्टेट या नॉन सेप्टेट जिसे हम सिनोसिटिक भी कहते हैं इस तरह का हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी रिजर्व फूड मटेरियल की, यानी कि ये अपनी खुराक जो है वो किस तरह से स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस सेल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, यानी कि जो खुराक ये जमीन से डिकम्पोजिशन के जरिए हासिल करता है अपने एंजाइम्स को स्प्रेड करके वहां से चीजों की तोड़फोड़ करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर की या उस सब्सट्रेट की जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा हो उसकी तोड़फोड़ करता है, उसको डिकम्पोज करता है, फिर वहां से अपने हाइपीस की मदद से इस सारी न्यूट्रंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उसे अब्सॉर्ब करने के बाद कुछ न्यूट्रंट्स तो इसके उसी टाइम पे इसकी ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो इसके पास सरप्लस फूड होती है उसको ये स्टोर कर लेता है। तो स्टोर ये किस फॉर्म में करता है, या तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा या फिर ये ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसको स्टोर करेगा। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं कि ये आपके सामने इस टाइम डायग्राम नजर आ रही है फंगस सेल की। इसको आप अगर गौर करें बाहर से अंदर की तरफ जब हम इसमें जाएं तो सबसे पहले आपको बाहर सेल वॉल नजर आएगी जो कि काइटन की बनी हुई है। उसके बाद आपको इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगी, फिर इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। साइटोप्लाज्म के बाहर अंदर आपको पिंक कलर के माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, जैसे आम सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है इसी तरह फंगल सेल का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। फिर उसके बाद हमें नेटवर्क नजर आ रहे हैं इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहेंगे। फिर आपको छोटे छोटे इसके अंदर डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, उसको हम राइबोसोम्स का नाम देंगे, प्रोटीन फैक्ट्री है। फिर हम सेंटर में देखें तो हमें रेड कलर का न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये फंगस सेल का स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपनी फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।